Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. कविता चार कठिन शब्द नंबर एक उपासक नंबर दो साजबाज नंबर तीन मुक्तामणि नंबर चार बहुमूल्य नंबर पाँच श्रृंगार नंबर छः कीर्तन नंबर सात दक्षिणा नंबर आठ नछावर नंबर नौ उन्मत्त नंबर दस अर्पित। तो आओ बच्चों, अब हम इस कविता के मौखिक प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। प्रश्न एक, कविता में किस भाव की प्रधानता है? उत्तर, कविता में समर्पण भाव की प्रधानता है। प्रश्न दो, कवित्री भगवान से क्या प्रार्थना कर रही है? उत्तर, कवित्री भगवान से प्रार्थना कर रही है कि चाहे आप उसे ठुकरा दें या अपना बना लें। प्रश्न तीन, कवित्री मंदिर में खाली हाथ क्यों गई? उत्तर, कवित्री मंदिर में खाली हाथ इसलिए गई क्योंकि वह बहुत गरीब है। प्रश्न चार, भक्त भगवान की सेवा में क्या ले जाते हैं? उत्तर, भक्त भगवान की सेवा में बहुमूल्य भेंट, मुक्तामणि, हार आदि लेकर जाते हैं। तो आओ बच्चों, अब हम इस कविता के लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तरों को समझते हैं। प्रश्न एक, कवित्री भगवान का कीर्तन करने से क्यों हिचकिचा रही है? उत्तर, कवित्री भगवान का कीर्तन करने से इसलिए हिचकिचा रही है क्योंकि उसके स्वर में माधुर्य व मिठास नहीं है। प्रश्न दो, कवित्री ईश्वर के समक्ष क्या लेकर गई है? वह अपने को लाचार क्यों कह रही है? उत्तर, कवित्री ईश्वर के समक्ष खाली हाथ आई है, वह ईश्वर को अपना हृदय समर्पित करने आई है। कवित्री अपने को लाचार इसलिए कह रही है क्योंकि वह भौतिक वस्तुओं में विश्वास नहीं रखती, वह स्वयं को ईश्वर को अर्पित करना चाहती है, इसलिए उसके पास साज बाज मुक्तामणि व मोती के हार जैसी बहुमूल्य वस्तुएं नहीं है, इसलिए वह लाचार है। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तरों को समझते हैं। प्रश्न एक, क्या ईश्वर को दान दक्षिणा से प्रसन्न किया जा सकता है? सोच कर लिखिए। उत्तर, हमारे विचार से ईश्वर को दान दक्षिणा से प्रसन्न नहीं किया जा सकता क्योंकि ईश्वर को भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर को हम अपनी भक्ति, प्रेम व समर्पण की भावना से प्रसन्न कर सकते हैं। प्रश्न दो, यह तो वस्तु तुम्हारी ही है, कवित्री ने किसके लिए कहा है? सोच कर लिखिए। उत्तर, यह तो वस्तु तुम्हारी ही है, यह कवित्री ने अपनी भक्ति भावना के लिए कहा है। कवित्री का कहना है कि हम ईश्वर को भौतिक वस्तुएं, दान दक्षिणा आदि चढ़ाकर प्रसन्न नहीं कर सकते, ईश्वर को प्रेम भक्ति भावना द्वारा ही प्रसन्न किया जा सकता है, इसलिए कवित्री ने कहा है कि मेरा जीवन आपका ही दिया हुआ है, इसलिए मैं उसे ही अर्पित कर रही हूँ। प्रश्न तीन, पुजारिन और भिखारिन से कवित्री का क्या मतलब है? उत्तर, पुजारिन का अर्थ है कि जो ईश्वर की भक्ति करने चली आई है बिना किसी स्वार्थ के।
भिखारिन से कवित्री का आशय है कि वह ईश्वर को चढ़ाने के लिए बहुमूल्य मुक्ताहार व कीमती वस्तुएं लेकर नहीं आई है, वह खाली हाथ आई है। निम्नलिखित शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। आते जाते, लाई खाई, हाथ साथ, माधुर्य चातुर्य, पुजारिन भिखारिन, दिखाने सिखाने। निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग एवं प्रत्यय को मूल शब्द से अलग कीजिए। तो आओ बच्चों, पहले हम उपसर्ग की परिभाषा को पढ़ते हैं। कुछ शब्दांश या कोई अक्षर ऐसे होते हैं जो शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे अ प्लस मर, अमर। तो बच्चों, उपसर्ग हमेशा शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। तो आओ अब हम प्रत्यय की परिभाषा को पढ़ते हैं। प्रत्यय वे शब्द हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कड़वा प्लस हट, कड़वा हट। तो बच्चों, प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। तो आपको इन दो बातों का ध्यान रखना है कि उपसर्ग हमेशा शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं और प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। जैसे असामान्य, तो असामान्य में अ उपसर्ग है और सामान्य मूल शब्द है। उपस्थिति, उपस्थिति में उप उपसर्ग है और ई प्रत्यय है और स्थित मूल शब्द है। बहुमूल्य, बहुमूल्य में बहु उपसर्ग है और मूल्य मूल शब्द है। सुपुत्र, सुपुत्र में सु उपसर्ग है और प्रत्यय मूल शब्द है। सुलक्षण, सुलक्षण में सु उपसर्ग है और लक्षण मूल शब्द है। निर्दयी, निर्दयी में निर उपसर्ग है, ई प्रत्यय है और दया मूल शब्द है।